कि पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। वी हैव पाकिस्तान हैज लर्नड इट्स लेसन। वी हैड थ्री वॉर्स विद इंडिया, थ्री, एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दोज वॉर्स एज अ रिजल्ट इट ओनली ब्रॉट मोर मिजरीज। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा एक्टिव प्रोएक्टिव इसमें इंगेज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बट इंडिया एट द मोमेंट हैज एन एज ओवर। और ये मामला क्या है, ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं, तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जिन जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 ship हैं और भारत के वहां पे 4 ship हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं। इस्लाम के नाम आप कहते हैं बार बार, मैं वहां पढ़ता रहा हूं, हर किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? आप बार बार, हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इंडिया अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है तो वो बेशक पाकिस्तान उसको कहता है ये सो कॉल्ड, लेकिन सम हाउ दे गेट इन द रीजन, वो इस खत्ते में आते हैं, वो ऑपरेट करते हैं, वो ईरानियों को पकड़ते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर एक आधा इल्ज़ाम लगा के चले जाते हैं और घर में जाके वो तस्वीरें लगा के वो कहते हैं भाईजान हम ये कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई जब कल रात को शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से मदद लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों डॉन न्यूज ने आज सुबह ये खबर ब्रेक किया कि रात में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से मदद लेने के लिए तैयार हैं, और मदद इसलिए कि पाकिस्तान के 15 से 20 फिशरमैन समुद्र में फिशिंग करते हुए, वही जो मछुआरे होते हैं, वो कहीं खो गए। पाकिस्तानी नेवी ने पूरा सर्च ऑपरेशन कर लिया, पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलना है, ठीक है। और पाकिस्तानी नेवी का कहना है क्योंकि भारत ने इस समय अपने डिस्ट्रॉयर और शिप चारों तरफ अरब सागर में लगा रखा, अरब सागर में, गल्फ ऑफ अदन, रेड सी, हर जगह भारत ने अपने ये शिप्स हैं जो वो फैला रखे। तो पाकिस्तानी नेवी ने कहा अगर हम भारतीय नेवी से मदद लेते तो बहुत इजी तरीके से हम अपने मिसिंग फिशरमैन को खोज सकते, तो इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा हमारी मदद ले लो भारत से। तो शहबाज शरीफ ने मुंह उठा के तुरंत कह दिया हाँ हम भारत से मदद लेने के लिए तैयार है। अब भारत से मदद लेने के लिए तो तैयार हो, लेकिन भारत तुम्हारी मदद करेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान उल्टे सीधे आरोप भी लगाता रहता है भारत पे। अब देखो जब काम की बारी आई तो हाथ पांव जोड़ के कह रहा है हम मदद लेने के लिए तैयार है। खैर मदद करना है या नहीं करना है ये भारतीय नेवी बहुत अच्छे तरीके से बताएगी, भारत सरकार बताएगी। आप लोग जुड़े रहे, मैं अपडेट जरूर करूंगा आप लोगों को, लेकिन पाकिस्तानी देखिए इस पे कैसे रो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। डॉन ने ये पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इश्यू में। वो इश्यू क्या है वो आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली आगा रफीउल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की, और इस मीटिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये कहा कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कॉन्टैक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से राबता करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज़ हमारी मदद करें। और ये मामला क्या है, ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं, तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जिन जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये
कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम और आगा रफीउल्लाह मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से रابطہ किया, या फिर जाहिर है कि पाकिस्तान नेवी ने इस सिलसिले में एफर्ट्स कर लिए, अपनी पूरी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब जबकि उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी पाकिस्तान नेवी को, तो वो इंडियन नेवी से ये कहेंगे, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी से ये कहेंगे कि आप हमारी मदद करें, ये नहीं हो सका और कामयाबी, तो आप उसके लिए जो आप रابطہ करें उनसे। अब देखिए जो गरीब होता है ना वो इसलिए गए असल में कि कोई बड़ी अथॉरिटीज होती ना, कोई ऐसा अगर हादसा हुआ होता जिसमें कि कोई ऐसे लोग होते, कोई मिनिस्टर होते या कोई और होते, तो उसके लिए फौरी तौर पर रابطہ कर लिया जाता है, लेकिन इंडिया से रابطہ करने में बड़ी मुश्किल होती है आपको पता है। तो चलें अगर हम इसी को एग्जाम्पल बनाते हैं तो ये एक मामला है कि जिसमें ये ऐसा होता रहता है, दोनों तरफ की ये जो प्रैक्टिस है वो जारी रहती है कि उस तरफ के फिशरमैन कभी इस तरफ आ जाते हैं और फिर उनको वापस भेजा जाता है, या इस तरफ के लोग जो हैं वो ऐसी वो जो एक बॉर्डर लाइन होती है उसको जब क्रॉस कर जाते हैं या दूसरी तरफ के पानियों में निकल जाते हैं, तो दोनों तरफ की अथॉरिटीज को पता है कि ये गलती से आ गए हैं, तो उनको जो है वो वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अब ये इसके ऊपर देखिए ना, इसमें आप मदद ले रहे हैं तो क्या आप और बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान की जरूरियात उसके ऊपर आप मदद नहीं ले सकते, उसके ऊपर मदद नहीं लेंगे? अच्छा, मदद लेने की तो बात ही छोड़िए, आप तो कोऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते ना, तो तावुन के लिए भी तैयार नहीं होता। और फिर ट्रेड की तो हम अक्सर ही बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब ट्रेड स्टार्ट करें, ट्रेड स्टार्ट नहीं करें। अच्छा, वो जो ट्रेड स्टार्ट करने का मामला है ना, वो भी गरीब का है, उसमें किसी अमीर को फायदा नहीं होना, ये मैं आपको बताऊं, किसी को उसमें कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके के जो गरीब है पाकिस्तान का, उस तक सस्ती चीजें पहुंचेंगी, चीप मटेरियल पहुंचेगा, फूड आइटम्स चीप पहुंचेंगे, क्योंकि आप सीधे सीधे इंडिया से हमसाया से ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन जो बड़े हैं, बड़ी अथॉरिटीज हैं, जिनका ये मसला नहीं, जिनका ये इशू नहीं है कि जब वो मार्केट जाते हैं, जब वो बाजार जाते हैं और वो वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वो प्याज खरीदते हैं और प्याज कितने रुपए किलो मिल रहा है, उनको इस चीज से गर्ज नहीं होती। उनके मुलाजमीन, उनके एम्प्लॉयज खरीद कर लाते हैं, उनके लिए ग्रोसरी करके आते हैं, वो तो खुद ग्रोसरी जो है वो करने जाते भी नहीं है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, ये उनका मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्हें पता है कि प्याज जो है वो 1000 रुपए किलो मिल रहा होगा तो वो तब भी वो खरीद लेंगे। ये मसला है, ये प्रॉब्लम है एक आम आदमी की, मासिस की, जो अगर प्याज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है, तो वो कहता है कि इसमें ये 20 रुपए अगर मेरे बच जाएंगे तो वो मैं किसी और जगह इस्तेमाल कर लूंगा। देखे ना क्या हालात है, इन्फ्लेशन इस वक्त कहां पर जा रही है। और मैं देख रही थी कि रमजान, जैसा कि हमेशा होता है, भाई वाह मुसलमान, क्या बात है, सल्यूट है मुसलमानों को, भाई कैसे कमाल के हैं कि जैसे ही रमजान आता है, रोजे शुरू होते हैं, तो महंगाई आसमानों से बातें करने लगती है। यानी पहले रोजे से पहले जब आप खरीदारी करने जाते हैं वहां पर पाकिस्तान में, तो आपको पता होता है कि हर चीज की कीमत ज्यादा होगी, और ऐसे ही होता है, फ्रूट से लेकर वेजिटेबल्स तक, अनाज तक, गेहूं तक, जो खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि दुकानदारों को पता है, उन मुसलमानों को पता है कि जो वो बेच रहे हैं कि ये तो लेने ही लेना पड़े, इनका तो मसला ये है कि ये तो कोई अब है ही नहीं, इसके अलावा चारा के गरीब ने भी रोजा रखना है अगर, तो उसने जो है वो अपने सहरी जिस चीज से करनी है, तो आटा तो लेगा ही लेगा, तो आटे की कीमत ज्यादा, जो चीज वेजिटेबल्स सब्जी खा लेगा, दाल खा लेगा, खैर अब तो दाल और सब्जी भी कितनी महंगी है, तो दालों की कीमतें ज्यादा, वो किसी कोई एक फ्रूट तो चाहिए ही होगा, तो चलो शरबत बनाने के लिए शरबत की, वो तो हर चीज की कीमत जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सल्यूट किया है मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों, भाई क्या बात है, जिस तरीके से आप वेलकम करते हैं रमजान को, अपनी कीमतें बढ़ा के ताकि लोग जो है वो खरीद ही ना सके और भूखे पानी से जो है वो रोजा रखे भी और खोले भी, तो ये तो क्या बात है। देखिए इसको कहते हैं, कहते हैं ना दुनिया में सबसे अच्छी कौम जो है वो, तो देखिए आप कितनी अच्छी, आपकी अच्छाई तो नजर आती है रमजान से एक दिन पहले, सर सही मानों में अच्छाई नजर आती है आपकी। तो दोस्तों इन पाकिस्तानियों का तो ड्रामा नहीं चलेगा, जितना इस्लाम करते हैं उतना इस्लाम की बेइज्जती करते हैं। आप लोग ये बताइए कि क्या भारत सरकार को या भारतीय नेवी को पाकिस्तान के जो मिसिंग फिशरमैन है उनको बचाने के लिए मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप दोस्तों अगर मैं बताऊं तो मानवीय आधारों पे की भी जानी चाहिए। सही बात है कि भारत के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो शिप्स हैं, इस समय बहुत सारे हर रीजन में आप लोग देखोगे तो भारत के डिस्ट्रॉयर शिप्स लगे हुए हैं, कहीं INS कोलकाता, कहीं INS अरिहंत, मतलब तमाम, शायद नाम में गलती हो जाए, लेकिन बहुत सारे भारत के डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं।
अगर भारत चाहे तो भाई हेल्प इनकी बहुत अच्छी खासी कर सकता है और इजीली जो 14 मिसिंग पर्सन हैं उनको खोज भी सकता है। हाँ, बसरते अगर वो 14 किसी और देश में भाग गए, क्योंकि डंकियां भी मार लेते पाकिस्तानी, जैसे यहाँ से यूरोप भागने के लिए जहाज से निकल गए, तो उसमें कोई मदद नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, अगर सच में मिसिंग है, कहीं पर फंसे हुए हैं, तो जरूर भारतीय नेवी मदद कर सकती है। लेकिन हाँ भाई, वो देखना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान ने हमारी हेल्प की है तो ही हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन में कभी कभार ये भी खबर आती है कि हमारे मछुआरों को, हमारे फिशरमैन को पाकिस्तानी आर्मी बेवजह गिरफ्तार कर लेते, छोड़ते भी नहीं है, ठीक है, गलती क्या होती है, हम गलती से पाकिस्तानी सी इलाके में चले जाते हैं हमारे फिशरमैन, तो भारत सरकार को देखना चाहिए। और खैर, जो भारतीय नेवी है, भारत सरकार है, वो मेरे से आपसे ज़्यादा ही समझदार होगी, तो वो सही डिसीजन लेंगे जो भी होगा। लेकिन आप इनकी जहालियत देखिए, आप लोग जैसे इनका काम आता है हाथ पांव पकड़ लेते, मतलब ये बाप बनाने में सबसे आगे, लिटरली किसी किसी को बुरा लगेगा, लेकिन बाप बनाने में जिससे देखा मौका लेना है, जिससे काम निकालना है, बस उसके तलवे चाटने लग जाते, कुत्ते वाली हरकत है। जिस घर से रोटी मिली, जिस घर से रोटी चाहिए, जाके वहां पे लेट गए उनके सामने, तो ये इनकी हरकत। और ये पुरानी आदत है पाकिस्तान की, इसी पे जैसे एक गांव में एक भिखारी होता है ना, वैसे दुनिया का भिखारी पाकिस्तान है, हर चीज के लिए भीख मांग लो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।